नमस्कार, श्रीमती रामकुमारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इसी इंस्टीट्यूशन के वेटनरी के दो सह संस्थान हैं, श्रीमती रामकुमारी वेटनरी कॉलेज एवं प्रोफेसर एस के इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी। दोनों ही संस्थानों में द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा जो प्रोग्राम है, कोर्स है, वह करवाया जाता है। हमारे दोनों ही संस्थान राजुवास जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसा कि हमने बताया, यह जो डिप्लोमा का कोर्स है, यह द्विवर्षीय कोर्स है। तो इस द्विवर्षीय कोर्स में, दो साल के कोर्स में कुल चार सेमेस्टर्स होते हैं। तो चार सेमेस्टर्स में तो फर्स्ट ईयर है, उसके अंदर दो सेमेस्टर्स, सेकेंड ईयर है, उसके अंदर दो सेमेस्टर्स। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है सेकेंड ईयर से संबंधित, और उसके भी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर या फिर अपन कह सकते हैं लास्ट सेमेस्टर या फिर जो फोर्थ सेमेस्टर है उससे संबंधित। उससे संबंधित भी अब हर एक सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स चलते हैं। तो जो फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, इसका टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन। मतलब इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक जो अपन आज पढ़ेंगे वह है मेटाबॉलिक डिजीजेस। आज का जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वह है मेटाबॉलिक डिजीजेस। तो इस मेटाबॉलिक डिजीजेस में अपन यह जानेंगे कि मेटाबॉलिक डिजीजेस क्या होते हैं, किन कारणों से होते हैं, कैसे अपन इसकी पशुओं में रोकथाम कर सकते हैं, कैसे इनका अपन पशुओं में समय रहते इलाज कर सकते हैं, और इन मेटाबॉलिक डिजीज में कौन कौन से प्रकार के जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं जो मुख्यतः पशुओं में देखने को मिलते हैं, वह सब अपन इसमें पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक डिजीजेस में पढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिक डिजीज सबसे पहले अपन यह जानेंगे कि मेटाबॉलिक डिजीज जो है वह होते क्या है। तो मेटाबॉलिक डिजीज की अगर अपन बात करें तो मेटाबॉलिक डिजीज को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन डिजीज भी कहा जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन डिजीजेस कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है मेटाबॉलिक डिजीज को प्रोडक्शन डिजीजेस, उसके ऊपर बात करें तो जो मेटाबॉलिक डिजीज है, प्रोडक्शन जो डिजीज है वह पशु के उत्पादन से संबंधित डिजीज है। किससे संबंधित है, उत्पादन से संबंधित डिजीज है। और मेनली यह किस तरह के मिलते हैं, जो हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स है जिनका अत्यधिक उत्पादन है। जो हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स है या फिर ऐसे जो पशु जिनका उत्पादन अत्यधिक है, उनके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, मेटाबॉलिक डिजीजेस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन डिजीजेस भी कहा जाता है। कि जिन पशुओं का प्रोडक्शन या फिर जिन पशुओं का उत्पादन अत्यधिक होगा उनके अंदर ये डिजीजेस होंगे। और किस कारण से ये डिजीजेस हो सकते हैं, इसका मुख्य जो फैक्टर अगर अपन बात करें, इसका जो कारक अगर बात करें, कारण अपन बात करें कि किस कारण से ये डिजीजेस हो सकता है, तो वो सबसे बढ़िया कारण है उसका डाइट्री इंटेक, पशु का डायरेक्टली इंटेक और उसका प्रोडक्शन आउटपुट। अगर फैक्ट्री की बात करें तो डायरेक्टली इंटेक कि पशु कितना खा रहा है, अपनी डाइट में कितना वह भोजन ग्रहण कर रहा है, उस भोजन में कौन कौन से वर्तन तो ग्रहण कर रहा है, और उसके प्रोडक्शन आउटपुट यानी कि उसके उत्पादन में कौन कौन से तत्व है वह बाहर निकल रहे हैं। अगर इन दोनों के अंदर बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है कि जितना पशु उत्पादन में बाहर निकाल रहा है उतने तत्वों की या उतने उसके बॉडी के अंदर पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या होंगे, मेटाबॉलिक डिजीज या प्रोडक्शन डिजीज होंगे। इसीलिए सीधा इसका संबंध किससे हो गया, प्रोडक्शन संबंधित हो गया। यानी कि जो तत्व है वह क्या है, बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, जो डाइट है जो है क्या बैलेंस नहीं मिल रही है, उसको आइडियल राशि पशु को नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से क्या होंगे, प्रोडक्शन डिजीज या मेटाबॉलिक डिजीज हो जाएंगे पशु के अंदर। अब अगर अपन बात करें कि पशु के अंदर कैसे पता कर सकते हैं कि उसके अंदर प्रोडक्शन डिजीज से वह ग्रसित हो सकता है या आगे आने वाले समय में उसे कौन सा जो प्रोडक्शन डिजीज है या मेटाबॉलिक डिजीज है, कौन सा डिजीज उसको हो सकता है, तो यह अपन कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए एक टेस्ट होता है कॉम्पिटेंट प्रोफाइल टेस्ट।
मेटाबॉलिक डिजीज या प्रोडक्शन डिजीज का पशु में ज्ञात करने के लिए कि पशु आगे आने वाले समय में मेटाबॉलिक डिजीज या प्रोडक्शन डिजीज से ग्रसित हो सकता है या कौन सा जो डिजीज है वह उसमें हो सकता है, उसकी जानकारी लेने के लिए एक टेस्ट होता है कॉम्पटन प्रोफाइल टेस्ट, जो कि जो डेयरी एनिमल्स हैं उनके अंदर प्रत्येक 4 महीने की इंटरवेल से 3 से 4 महीने की इंटरवेल से उन पशुओं में करवाया जाता है, जिसके अंदर इस टेस्ट के अंदर हमें क्या क्या कर लेते हैं, पशु के जो शरीर में है उसके अंदर ब्लड यूरिन आयोजन, शरीर में हीमोग्लोबिन को ज्ञात करना, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम इन सब की जो लेवल्स हैं अलग अलग कि कितने पशु के अंदर लेवल्स है, कौन सा अत्यधिक मात्रा में कौन सा कम मात्रा में है, ये सब अपन क्या कर ये जो टेस्ट है कॉम्पटन प्रोफाइल टेस्ट है इसके द्वारा पशु के अंदर ज्ञात कर लेते हैं, और ये हर 4 महीने से करवाया जाता है। तो ऑन एवरेज अगर बात करें तो 1 साल में 3 बार जो ये टेस्ट है वह करवाया जा सकता है, और इस टेस्ट के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं जो बायोमेडिकल पैरामीटर्स आते हैं, ब्लड यूरिन हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन सोडियम मैग्नीशियम एटसेट्रा आदि, इन सब की लेवल चेक की जाती है पशु के शरीर में इनकी कितनी लेवल है उसके हिसाब से, तो हमें उस टेस्ट से ज्ञात कर जाता है कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अत्यधिकता है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं पशु को फिर डाइट में उसके जो डाइट में जो फीड अपन दे रहे हैं उसके अंदर बदलाव करके समय रहते अपन वो जो एलिमेंट्स जो तत्व है उनके अंदर कम या ज़्यादा जो हम उसके हिसाब से अपन डाइट में बदलाव करके पशु के शरीर के अंदर पूर्ति करवा सकते हैं, जो ज़्यादा है उसको डाइट में अपन कम कर सकते हैं, जिसकी मात्रा शरीर में कम है उसकी मात्रा अपन डाइट में बढ़ा के बैलेंस में ला सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था इसके बारे में कि मेटाबॉलिक डिजीज या प्रोडक्शन डिजीज क्या होते हैं, उनके कौन कौन से पशुओं में हो सकते हैं, मेनली जो हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स हैं उनमें होते हैं, उन्हें को कुछ एक डिजीज है जो इक्वाइन्स में घोड़ों में भी होते हैं, लेकिन मेनली जो हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स हैं जैसे अपने गाय भैंस है उनसे संबंधित ज़्यादा है। कौन सा टेस्ट है, कॉम्पटन प्रोफाइल टेस्ट है जो हर 4 महीने के अंतराल से करवाया जाता है डेयरी एनिमल्स के लिए, जिसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं, और क्यों मुख्य जो कारण जो फैक्टर क्या रहता है इनका कि पशु डायरेक्टली इंटेक में कितना भोजन दे रहा है और प्रोडक्शन आउटपुट वह कितना दे रहा है, जब इसमें इम्बेलेंस हो जाता है तो क्यों चलो हो जाएंगे प्रोडक्शन डिजीज हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं आगे प्रोडक्शन डिजीज में सबसे पहला जो डिजीज है वह जो अपन पढ़ने वाले हैं आज वह कौन सा है, मिल्क फीवर या दुग्ध जबर। तो पहला डिजीज आज अपन पढ़ेंगे वह है मिल्क फीवर या दुग्ध जबर। पहला डिजीज आपने पढ़ेंगे वह है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जिसे कि क्या कहा जाता है हिंदी में दुग्ध जबर कह देते हैं या फिर हाइपोकैल्सिमिया। पता लग गया आपको नाम से सीधा हाइपो का मतलब क्या होगा, कमी शरीर में, कैल्शियम का मतलब सीधा सीधा कैल्शियम की शरीर में कमी जो होगी पशु के तो वह क्या कहलाएगा, हाइपो कैल्शियम कहलाएगा। तो मिल्क फीवर के अन्य अगर नाम बात करें अपन तो बार्चुलेंट पैरेसिस कार्विक पैरालिसिस मतलब पशु के बिराने के बाद डिजीज होगा जिसके अंदर लकवे जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं पशु में, तो उसके आधार पर इसके अन्य नाम भी है बार्चुलेंट पैरेसिस कार्विक पैरालिसिस हाइपो कैल्शियम मिल्क फीवर या दुग्ध जबर। मुख्य जो नाम से पुकारा जाता है उसे क्या मिल्क फीवर नाम से पुकारा जाता है या हाइपो कैल्शियम या दुग्ध जबर नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो डिजीज है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि यह कौन से पशुओं में होता है, कौन से उसके जो एज है उस ग्रुप में यह देखने को ज़्यादा मिलता है, कारण क्या है इसका, क्या क्या लक्षण अपन को देखने को मिलेंगे इस रोग के अंदर, उसको अपन कैसे पहचान सकते हैं, उसका उपचार क्या होगा, अंत में उसका बचाव तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि समय रहते बचाव कर लेंगे तो अपन क्या है उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या क्या है कि अपन को कैसे पशु के अंदर वह रोग होने से अपन बचा सकते हैं। तो हाइपोकैल्शियमिया या मिल्क फीवर की अगर अपन बात करें तो ये कौन से पशुओं में होगा, यह सबसे मुख्यतः जो पशु है जैसा कि मेटाबॉलिक डिजीज की बात की थी अपन ने, हाई यील्डिंग जो एनिमल्स है जिनका क्या उत्पादन अत्यधिक है उनके अंदर होगा। रुमिनेटिंग में जो कैटल एंड हेफर जो है जो गाय भैंस है मुख्यतः गाय भैंस के अंदर यह रोग मुख्यतः देखने को मिलता है, होने को यह बकरी भेड़ इनमें भी देखने को मिलता है लेकिन सबसे मुख्यतः यह रोग है किसका, गाय या भैंस का, इनका कैटल एंड बफेलो का यह रोग है।
तो ये क्या है, इनमें जो हाई यील्डिंग होंगे इनका उत्पादन अत्यधिक होगा, इनके उन जो जानवरों में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं इनके। तो अपन ने बात की थी यह किसका, डेयरी एनिमल्स में गाय या भैंस का जो रोग है उन्हें कोई भेड़ और बकरी को भी हो सकता है, कब होगा ये देखा जाता है कि जो पशु है वह अपने जब तीसरे से लेके तीसरे चौथे पांचवें या छठे तो तीसरे से लेके आठवें दसवें तक जो ब्यावत होता है उसके दरमियान जो पशु रहता है नॉर्मली, तो उसके अंदर इसके चांसेस होने के ज्यादा रहते हैं। बात करें तो चार से लेके आठ या जो लोअर जो ब्यावत होगा पशु का, जिसके अंदर जो मिडल वाला टाइम पीरियड रहता है उसके अंदर क्या है, इसके मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और उम्र की अगर बात करें अभी तो 7 से 11 साल का जो पशु होगा तो उसके अंदर उम्र की अगर बात करें तो 6-7 से लेकर 11-12 साल का जो पशु होगा तब, और उससे तीसरे से या चौथे से लेकर 7वें-8वें के जो ब्यावत होगा उसके अंदर उन गाय भैंसों में यह रोग ज्यादा देखने को मिलता है। अब अपन ने एज की बात कर ली, टाइम की बात कर ली कब कब होगा, लेकिन यह ब्याने के कब कौन से समय में ज्यादा देखने को मिलता है, तो मिल्क फीवर की अगर अपन बात करें तो यह जो गाय या भैंस इनकी बात करें अपन बहुत कम चांसेस में यह ब्याने से पहले देखने को मिलता है कई बार, और उसके अंदर पशु के अत्यधिक लक्षण भी प्रकट नहीं कर पाता है, जिसे अपन प्री पार्चुरेट लक्षण कहते हैं या स्टेज फर्स्ट कहते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली यही एक पशु लड़का के चलता है इतने अत्यधिक लक्षण प्रकट नहीं करता है, लेकिन जो मुख्य गह रोग देखने को मिलता है अत्यधिक चांसेस में यह देखने को मिलता है वह मिलता है ब्याने के 72 घंटे बाद में। पशु के ब्यावक के 72 घंटे के बाद में यह रोग देखने को मिलता है मुख्यतः, कि पशु अब ब्याया इसके जो 72 घंटे आगे आने वाले हैं उनके अंदर ये जो मिल्क फीवर रोग है इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कि इस समय में यह रोग ज्यादा हो सकता है, इसके बाद में यह आगे आने वाले 10 दिन या आगे आने वाले कुछ महीने में भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है यह कि ब्यावक के 72 घंटों में जो मोस्टली एनिमल्स हैं उनमें यह ब्यावक के 72 घंटों में देखने को मिलता है, और इसके आगे आने वाले 10 दिन या फिर आगे आने वाले कुछ महीनों में भी, महीनों की अगर बात करें कि जब पशु का दूध का उत्पादन अत्यधिक होगा, जब उसका दूध का उत्पादन पीक पे होगा हाइएस्ट होगा, जाने की बात ये तो है कि पशु सबसे पहले जाके अत्यधिक दूध मिल जाएगा, जैसे किसी पशु ने 5 किलो दूध दिया तो 5 के बाद में उसके क्या है जो मिडल जो लैक्टेशन पीरियड आता है उसमें दूध की क्या मात्रा बढ़ जाती है, 5 से अगर वो देखें तो 6 जाएगा फिर 7 जाएगा, तो 7 महीने लैक्टेशन उसकी हाइएस्ट है, तो इस समय में क्या होता है यह रोग देखने को मिल सकता है जब पशु अपने पीक यील्ड में होगा लैक्टेशन की। तो अपन ने बात कर ली कि मिल्क फीवर गाय भैंस में होगा 72 घंटे या ब्याने से पहले भी कई बार यह देखने को मिलता है, आगे आने वाले कुछ समय में भी यह देखने को मिल सकता है। अब बात करें होता क्यों है, तो जैसा कि इसके सिनोनिम में दिया हुआ है हाइपोकैल्शेमिया, किसकी कमी की वजह से होगा, शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से होगा। तो मुख्य तरह अगर बात करें शरीर के अंदर कैल्शियम की पशु के कमी हो जाती है मिल्क फीवर में, अगर नॉर्मल बात करें अपन कि पशु के शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है, तो पशु के शरीर के अंदर 8 से 10 mg पर डीएल यह नॉर्मल मात्रा होती है कैल्शियम की पशु के शरीर में। तो जब पशु मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर से ग्रसित हो जाता है तो यही मात्रा घट के कितनी हो जाती है 3 से 5 mg पर डीएल तक आ जाती है। नॉर्मल मात्रा होती है 8 से 10 mg, कई जगह 11 mg भी मिल जाता है, कि जो कैल्शियम की पशु के शरीर में मात्रा है वह 8 से 10 या 11 mg पर डीएल होती है, यह नॉर्मल मात्रा है कि एक स्वस्थ पशु में यह मात्रा देखने को मिलती है। लेकिन जब पशु मिल्क फीवर या हाइपोकैल्शेमिया से ग्रसित हो जाता है तो उसके अंदर जो कैल्शियम की जो लेवल है वह घटी कितनी हो जाती है 3 से 5 mg पर डीएल तक हो जाती है। तो जब यह मात्रा घट जाती है पशु के शरीर में कि 8 से 10 mg से लेकर 3 से 5 mg पर डीएल तक हो जाती है, तो पशु में कौन सा रोग होगा, मिल्क फीवर वाला पशु के अंदर देखने को मिलेगा। और नॉर्मली अगर अपन इसकी बात करें मिल्क फीवर की कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, तो उस समय अगर नॉर्मल बात करें तो पशु सुस्त हो जाता है, स्टार्टिंग स्टेज की बात करें अपन पशु सुस्त हो जाता है, उसकी मांसपेशियों में कंपन होने लग जाता है, मांसपेशियों में भी जो स्टार्टिंग की बात करें तो मसल और आंख की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर क्या होने लग जाता है, कंपन होने लग जाता है, पशु लड़खड़ा के चलता है, उठने बैठने में उसकी दिक्कत होती है, ऐसे अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है पशु, ये सब लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं। आगे अपन बीप पे बात करेंगे, जैसे जैसे 3 स्टेजों में बांटा है लक्षणों को वैसे वैसे अपन बीप पे बात कर लेंगे कि कौन से स्टेज है कौन से प्रमुख लक्षण है। यह था सुपरफिशियली कि मिल्क फीवर या हाइपोकैल्शेमिया में क्या होता है, कौन से जानवरों में होता है, जो हाई यील्डिंग जानवर उनमें होता है, कौन से समय में हो सकता है, कौन से ब्यावक में देखने को मिलता है और क्यों होता है, उसका कारण होगा कैल्शियम।
अब अपन कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम की कमी किन किन कारणों से पशु के शरीर में हो सकती है, ये तो एक छोटा सा सुपरफिशियल इंट्रो था कि क्या होता है कैल्शियम। अब अगर अपन बात करें आगे एटियोलॉजी की, कौन कौन से कारण जो है कारण या एटियोलॉजी की बात करें जिनकी वजह से पशु में जो हाइपोकैल्शियम जो डिजीज है या जो मिल्क फीवर है हो सकता है, किन कारणों की वजह से, कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से पशु के अंदर हाइपोकैल्शियम या दूध रिजर्व या मिल्क फीवर हो सकता है। तो सबसे मुख्य जो कारण है वह है पशु के शरीर में आयोनाइज्ड कैल्शियम की कमी होना। पशु के शरीर में क्या होना, आयोनाइज्ड कैल्शियम की पशु के शरीर में कमी होना सबसे मुख्य जो कारण है वह है पशु के शरीर में आयोनाइज्ड कैल्शियम की कमी होना। दूसरा विटामिन D3 की कमी होना या फिर जो वेट की पीएच है पशु की वह क्या हो एसिडिक हो, आयोनाइज्ड कैल्शियम की पशु के शरीर में कमी होना एक कारण होगा। दूसरा कारण विटामिन D3 या ब्लड की जो पीएच है उसका एसिडिक होना, तो भी क्या होगा विटामिन D3 है वह किसमें सहायक होता है, कैल्शियम पशु के शरीर में उसके एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है, उसके एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है विटामिन D3। तो अगर इसकी कमी है तो भी क्या हो सकता है हाइपोकैल्शेमिया हो सकता है। ऐसे ही अगर बात करें तो जैसे विटामिन D3 का बताया कैल्शियम का क्या होना, जो अपने गट है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाना कैल्शियम का शरीर में, क्या है पशु को अपन कैल्शियम दे रहे शरीर में या फिर कैल्शियम तो दे रहे हैं लेकिन वह क्या है पशु के शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो ये कारण हो गए। इन्हीं में से जैसे कि अपन ने बात की है हाई यील्डिंग जो डेयरी एनिमल्स है उनका रोग है, और अगर अपन इसी कारण की बात करें जो मुख्य जो कारण रहते हैं पशु के कि क्यों यह पशु में क्या है ब्याने के बाद में होता है, उसका मुख्य कारण है कि पशु जब ब्याता है तो पशु के ब्याने के बाद में जो उसका जो पहला दूध निकलता है जैसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो वही कोलेस्ट्रम क्या रहता है अगर नॉर्मल पशु दूध देता है उसके एवरेज पे कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या है 10 से 12% क्या है जो नॉर्मल कैल्शियम की मात्रा रहती है दूध में उससे 10 से 12% कैल्शियम की मात्रा रहती है किसमें कोलेस्ट्रॉल में। ब्यावत के बाद में क्या होगा पशु जब कोलेस्ट्रॉल स्त्राव करता है तो उसके अंदर 10 से 12% कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा रहती है नॉर्मल दूध से, इस कारण से क्या है पशु के शरीर में क्या रहता है कैल्शियम की एकाएक कमी आती है, क्योंकि कैल्शियम किसमें स्त्राव होता है कोलेस्ट्रॉल में स्त्राव होता है और भी नॉर्मल दूध से 10 से 12 गुना ज्यादा स्त्राव होता है, तो पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो वह लक्षण प्रकट करता है कौन सा रोग रहता है हाइपोकैल्शेमिया रहता है होने के चांसेस रहते हैं। यही जो अपन कोलेस्ट्रॉल बात करें तो यह कितने दिनों तक स्त्राव होता है 3 से 4 दिन तक पशु में देखने को मिलता है, तो इसीलिए अपन ने कहा था कि यह रोग जो गाने के 72 घंटे हैं 72 घंटे में इसके होने के चांसेस क्या रहते हैं अत्यधिक रहते हैं, क्योंकि उस समय क्या है पशु के जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या हो रही है अत्यधिक स्रावित हो रही है नॉर्मल दूध से 10 से 12% अत्यधिक स्रावित हो रही है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और क्या होगा हाइपोकैल्शेमिया या मिल्क फीवर या दूध रिजर्व जो रोग है वह हो जाएगा। आगे अगर बात करें और कारण की तो एक थायरॉइड हार्मोन रहता है PTH हार्मोन या फिर थायरॉइड हार्मोन, थायरॉइड हार्मोन या PTH हार्मोन अगर इसकी कमी हो शरीर के अंदर तो भी क्या हो सकता है हाइपोकैल्शेमिया या मिल्क फीवर जो रोग है वह हो सकता है। थायरॉइड हार्मोन की कमी हो इसकी एक्टिविटी जो पैराथायरॉइड ग्लैंडर या फिर पैरेट हार्मोन की कमी हो तो क्या हो सकता है हाइपोकैल्शेमिया रोग हो सकता है। पैरेट हार्मोन की एक्टिविटी कम कैसे हो सकती है, कई बार क्या रहता है कि अपन को पता रहता है कि पशु में मिल्क फीवर ना हो तो उसके लिए पशुपालक क्या करता है पशु को पहले से ही उसके जो गेस्टेशन पीरियड रहता है एंडिंग में या गेस्टेशन पीरियड के पहले से ही 1-2 महीने से पहले उसको क्या कर देता है कैल्शियम की फीडिंग स्टार्ट कर देता है, उसको कैल्शियम बाहरी सोर्स से देना चालू कर देता है कि आगे जब पशु ब्यावत में आए तो उसको क्या हो हाइपोकैल्शेमिया या मिल्क फीवर रोग जो है वह ना हो इससे वह ग्रसित ना हो, पशुपालक क्या करता है उसको पहले ही कैल्शियम की फीडिंग चालू कर देता है
जब पशु पालक जब कैल्शियम उसको भारी सोर्स से देता है तो जो पैरेंट हार्मोन है इसका काम ही रहता है शरीर में क्या करना, कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करना। तो इसको बाहर से कैल्शियम मिल रहा है तो ये क्या रहेगा शरीर में इनएक्टिव रहेगा या फिर शुष्क अवस्था में रहेगा, कम काम करेगा, तेजी काम नहीं करता है। इसका कार्य रहता है कैल्शियम को मेंटेन करना, लेकिन वह कैल्शियम का सोर्स इसको बाहर से मिल रहा है तो यह अपनी एक्टिविटी को कम रखता है। जैसे ही इतने दिन तक बाहर से मिल रहा था जब तक गेस्टेशन चल रहा था, लेकिन जैसे ही पशु जाता है बाहर से तो उसको फिर भी देते रहते हैं, लेकिन एकाएक से क्या होगा कैल्शियम का स्तर कोलेस्ट्रॉल में बढ़ जाता है और पैरेंट हार्मोन जो है वह उसकी जो मात्रा है कैल्शियम की वह शरीर में सही रूप से या जो नॉर्मल जो मात्रा है वह बनाए रखने में समर्थ रहता है, जिस कारण से क्या होगा हाइपोकैल्शेमिया या ब्लड फीवर रोग पशु में हो जाएगा। पैरेंट हार्मोन क्या है एकाएक से कैल्शियम जो कोलेस्ट्रॉल में बाहर निकलेगा उसकी लेवल जो है शरीर में मेंटेन नहीं रख पाता है, जिस कारण से क्या हो जाएगा ब्लड फीवर या हाइपोकैल्शेमिया रोग हो जाएगा। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए पैरेंट हार्मोन की एक्टिविटी नॉर्मल रहे, इसके लिए ठीक है अपन कैल्शियम दे रहे हैं पशु को भारी सोर्स से, लेकिन उसके ब्यावर से 10 से 15 दिन पहले आपको क्या कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए वह जो कैल्शियम का सोर्स है वह बाहर से देना बंद कर देना चाहिए। और इसकी जगह अगर अपन चाहे तो जो फॉस्फोरस का जो भारी सोर्स है वह बढ़ा देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है जो पैरेंट हार्मोन है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सब हो गए कारण किन किन कारणों से जो है मिल्क फीवर पशु में हो सकता है। पहला कारण आपने देखा कि आयोडाइज कैल्शियम की शरीर में कमी होना, दूसरा कारण आपने देखा कि विटामिन D3 या फिर जो पशु में गट की जो पीएच है उसका एसिडिक होना। आगे नेक्स्ट कारण देखा आपने कि पशु को क्या शरीर में कैल्शियम तो है लेकिन वह एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर जो हड्डियों से जो कैल्शियम पशु के शरीर में आता है वह मेंटेन उसकी लेवल जो है वह मेंटेन नहीं हो पा रही है, वह पूर्ण रूप से शरीर को नहीं मिल पा रहा है, उसमें ही बैलेंस होना। नेक्स्ट कारण बात की अपने कि जो पशु जाता है कोलेस्ट्रॉल में क्या होना, जो कैल्शियम है वह कोलेस्ट्रॉल में जो नॉर्मल दूध है उसकी मात्रा उसके एवरेज में 10-12% ज़्यादा होता है, 10-12% ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या होगा कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल में निकल जाता है तो हाइपोकैल्शियमिया होने के चांसेस रहते हैं। जो लास्ट जो इडियोलॉजी है जो कारण था उसका यह है कि पैरेंट हार्मोन की एक्टिविटी का क्या होना कम होना, इस वजह से हो सकता है कैल्शियम का बारिश सोर्स में निकलने से। तो ये सब इसमें आगे मिल्क फीवर के कारणों में आगे पशु, जैसा कि अपन ने लिखा है
कि प्री पार्थिव स्टेज कई बार ये क्या है पशु के ब्याने से पहले भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो दक्षिण में स्टेज में है वह पशु में क्या है ब्यावन से पहले भी देखने को मिल सकते हैं, अपन को ब्याने के जो 5-7 दिन है उससे पहले अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो इसे क्या नाम दे दिया प्री पार्थिव स्टेज, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। कई बार क्या है पशु उत्तेजित भी हो जाता है इस अवस्था के अंदर, तो इसे एक्साइटमेंट या जो फ्रेश स्टेज है सबसे पहले जो पशु दर्शन देखने को मिलते हैं तो इसे क्या नाम दिया गया फ्रेश स्टेज। अब अपन लक्षणों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अपन को फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलते हैं, तो उन लक्षणों में सबसे पहले आता है कि पशु अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, जैसा कि अपने नाम में आया स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। पशु क्या हो जाता है अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, पशु के अंदर फिटनेस जैसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं, पशु अत्यधिक उत्तेजित हो जाएगा, फिटनेस जैसे लक्षण देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में उत्तेजित अत्यधिक हो जाएगा, पशु चारा जो है वह खाना कम कर देगा, थोड़े बहुत लकवे जैसे मतलब उसको उठने बैठने में दिक्कत, गड़गड़ा के खड़ा होगा, चारा खाना कम कर देगा, जीव है जो अपनी वह बाहर निकाल के रहेगा, दांतों का किटकिटाना जो है यह आपके लक्षण अपन को किसमें देखने को मिलेंगे फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर रहेगा वह कई बार नॉर्मल रहता है, लेकिन कई बार पशु के उत्तेजित होने के कारण एक्साइटमेंट के कारण क्या थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, वरना क्या टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर बात की क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं कि पशु अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, संवेदनशील रहता है, चारा वगैरह खाना कम कर देता है, लड़खड़ा के उठने बैठने में थोड़ी बहुत उसको दिक्कत होती है। ये सब अपन लक्षण जो देखे हैं ये प्री पार्थिव स्टेज या स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट या जो फर्स्ट स्टेज है एनिमल फीवर की, इसके ये लक्षण है दांतों का किटकिटाना आदि। अब सेकेंड स्टेज की अगर अपन बात करें कि स्टेज सेकेंड या स्टेज ऑफ स्टैंडर्ड रिकमेंडेंसी, जो फर्स्ट स्टेज होती है ये कई बार तो नोटिस कर लेता है पशुपालक कि पशु को क्या है ये सब दिक्कतें होती है, वरना ये क्या है पशुपालक नोटिस नहीं कर पाता है, डायरेक्ट पशु किस में चला जाता है सेकंड स्टेज में चला जाता है, जो कि ब्याने के बाद ही पशु में देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपन ने दूसरा नाम है स्टेज ऑफ स्टैंडर्ड रिकमेंडेंसी। पशु क्या होगा, यह जो पहली जो स्टेज थी इसके अंदर पशु ने क्या किया था, नॉर्मली बस चारा पानी था, वह खाना कम कर दिया था, दांते दांत किटकिटा रहा था, जीभ बाहर निकल रहा था, नॉर्मल सिम्पटम दे रहा था। लेकिन यह जो सेकंड जो स्टेज है इसके अंदर पशु क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, किसके अपने स्टर्नल पे जो छाती वाला भाग है उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसके अंदर भी क्या है वह जो एस पोस्चर रहता है, एस का पोस्चर कैरेक्टरिस्टिक इस शेप के अंदर, यानी कि अपनी जो गर्दन है उसको अपने फ्लैंक या पेट की तरफ मोड़ के चिपका के बैठ जाएगा, एस शेप का जो पोस्चर होता है उसके अंदर पशु बैठ जाएगा। पशु के अंदर क्या रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं कि उसके क्या है बंद लग जाए, गोबर वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है यही सहायक होते हैं मांसपेशियों के संकुचन कॉन्स्टिक्शन एंड डाइजेशन में, कैल्शियम और मैग्नीशियम सहायक होते हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि रोग क्या है हाइपोकैल्शियम है, कैल्शियम की कमी है, संकुचन नहीं हो पाता, इस वजह से क्या हो जाता है कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। टेम्परेचर जो है वह कहीं पर क्या है जो सामान्य जो तापमान है सब नॉर्मल टेम्परेचर अपन को देखने को मिल सकता है सेकेंड स्टेज के अंदर। अब अगर बात करें जो वेनस प्रेशर है वह भी कम हो जाता है इसके अंदर, जुगलर जो वेन है उसको रेज करने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए कई बार क्या है आईवी इंजेक्शन देते हैं, उसके अंदर अपन को आईवी इंजेक्शन देने से पहले जो जुगलर वेन अपन देते हैं उसमें डिफिकल्टी होती है जुगलर वेन को राइज करने में, कि अपन क्योंकि जुगलर जो पक्ष वह कम हो जाती है, इस वजह से जो पशु में आईवी इंजेक्शन देने में कमी होती है। ऐसे अगर अपन बात करें थर्ड स्टेज या स्टेज ऑफ लेटर रिकमेंडेंसी, पहले स्टेज पर अपन ने बात की कि पशु क्या है नॉर्मल अवस्था में रहेगा, लक्षण अपन ने बताया कि कौन कौन से लक्षण प्रकट करेगा, सेकंड स्टेज पर अपन ने बताया कि पशु अपने स्टैंडर्ड पे एस पोस्चर के अंदर बैठ जाता है, यानी कि अपने फ्लैंक को एक तरफ करके पेट के सहारे से उठा के क्या करेगा पशु बैठ जाएगा, और जो जुगाली करना है वह बंद कर देगा, मसल जो है पशु का वह सूखा हो जाएगा, जो नाक का जो हिस्सा है वह सूखा हो जाएगा, आंखें क्या है आंखें सूखी हो जाएंगी, पुतलियां जो है वह फैलने लग जाएंगी, और आगे अपन ने बात की कि जो जुगलर पल्स है या फिर जुगलर जो वेन है उसको आसानी से रेज नहीं कर पाते हैं, जिसे क्या है आईवी इंजेक्शन लगाने में क्या है डिफिकल्टी रहती है, हार्ट रेट जो है पशु की वह बढ़ जाती है, और ह्यूमन की जो गति की अपन ने बताया कॉन्स्टिपेशन या पशु गोबर नहीं करता है, ह्यूमन के अंदर क्या है मूवमेंट जो है ह्यूमनल एटोनी हो जाती है, ह्यूमन के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि पशु में क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है इस कारण से।
थर्ड स्टेज की अगर अपन बात करें, सेकंड तक अपन ने देख लिया कि पशु क्या है, स्टेज कल्चर रिकमेंड से मतलब छाती के सहारे पेट को एक तोड़ के पशु क्या है बैठा रहता। यह जो स्टेज की बात करें स्टेज थर्ड या फिर स्टेज ऑफ लेटरल रिकमेंडेंसी सबसे सीवियर स्टेज है, यह इसके अंदर पशु क्या है सेकंड स्टेज तक पशु बैठा था, लेकिन इसके अंदर पशु क्या है एक तरफ जो है वह पशु क्या है लेट जाता है जमीन पे, सिर को एक तरफ करके नीचे जमीन के ऊपर पशु क्या है पूरी तरीके से लेट जाता है। यह स्टेज अत्यधिक क्रिटिकल रहती है, अगर 12 से 24 घंटे के दरमियान में पशु को क्या है उपचार नहीं मिल पाता तो हो सकता है कि पशु की मृत्यु भी हो जाए। जब पशु लेटरल रिकमेंडेंसी में आ जाएगा तो क्या होता है कि पशु के अंदर आफरा भी आ जाता है, ब्लॉड जिसे हम कहते हैं, ह्यूमन का मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिस वजह से पशु के अंदर आफरा आने की दिक्कत भी रहती है। हार्ट रेट जो हार्ट बीट या हार्ट रेट जो अगर कम हो जाती है, जुगलर जो पल्स रेट है वह कम हो जाएगी, जुगलर में डिफिकल्टी से एज होगी अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं इंजेक्शन देते हैं। लेकिन ग्रेटेस्ट साइन क्या है कि यहाँ तक पशु क्या था स्टनल पे बैठा था अपने, लेकिन लेटरल रिकमेंडेंसी में पशु एक तरफ लेट जाता है आफरे वाली दिक्कत, तो इसका पता लगा सकते हो कि फर्स्ट दो स्टेजेस से पशुपालक से पूछेगा कि पहली स्टेज से थ्री स्टेज थी, और इसके अंदर उपचार देना जल्द से जल्द पशु को उपचार देना अत्यधिक आवश्यक है। तीनों स्टेजेस के अलग अलग लक्षणों को अपन ने देख लिया कि कौन से स्टेज के अंदर कौन कौन से लक्षण अपन को देखने को मिल सकते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे इटियोलॉजी की बात कर ली, लक्षणों की बात कर ली, आगे बात करेंगे डायग्नोसिस की है, आप कैसे पहचान सकते हो कि पशु में यही मिल्क फीवर हो गया। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस की मैंने जैसे बताया कि पशु में क्या देखने को मिलेगा, यह रोग दावत के बाद में हिस्ट्री मिलेगी इसकी पार्चुरेशन की, रिसेंट पार्चुरेशन हुआ है पशु में, अभी वह ताज़ा ताज़ा बाया है दावत हुई है बया है पशु ताज़ा ताज़ा, उसके अंदर भी तुमको क्या कितना टाइम पीरियड हुआ है 72 घंटे हुए 50 घंटे हुआ है, उसके बाद में अलग अलग जो लक्षण है स्टेजेस के इन सब को अपन पशुपालक से ज्ञात करके क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं पशु के अंदर मिल्क फीवर रोग है या नहीं। ऐसे ही अगर अपन बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की कि अन्य इससे मिलते जुलते रोग हैं उनसे अपन कैसे पशु मिल्क फीवर को अपन अलग कर सकते हैं, अलग जो दूसरे जो रोग हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो होते हैं वह होते हैं ऑब्टुरेटर नर्व पैरालिसिस या फिर डाउनर काउ सिंड्रोम फैटी काउ सिंड्रोम, इन सब से भी क्या है अपन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी रहती है कि पशु में यह रोग न होके मिल्क फीवर ही रोग है। अगर डाउनर काउ या फैटी काउ सिंड्रोम है तो इसके अंदर पशु क्या है खाना पानी क्या रहता है नॉर्मल रखता है अपना, लेकिन इसके अंदर क्या है खाना पानी बंद कर देता है, दांत की पीटाने लग जाता है, फिटनेस जैसे लक्षण कड़कड़ा के चलना उठने बैठना दिक्कत। लेकिन जो डाउनर काउ फैटी काउ सिंड्रोम है इसके अंदर भी क्या है उन रोगों में पशु की क्या कई बार बैठ जाता है, लेकिन वह जो अपना खाना पानी जो है वह रोग में रखता है पूरे आश्रय जैसे शिकायत कई बार देखने को मिलती है, वरना बहुत कम चांसेस में वह देखने को मिलती है। सबसे बढ़िया जो होगा इसके अंदर क्या होगा डायग्नोसिस में कि अगर अपन ने यह ध्यान कर लिया कि हो सकता है पशु को हाइपोकैल्शियमिया या फिर दुग्ध जबर रोग है, तो जब अपन पशु को आईवी इंजेक्शन देंगे कैल्शियम का जो कैल्प्रोल नाम से आता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोरेट का, तो उसका अपन क्या रिजल्ट मिलेगा पशु क्या जैसे मिलेगा उसके कुछ समय देने के कुछ समय के पश्चात पशु खड़ा हो जाएगा, उससे अपन क्या कर सकते हैं कि पशु इससे ग्रसित था कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ग्रसित था। ऐसे ही कई बार क्या रहता है कैल्शियम के साथ साथ पशु के शरीर में मैग्नीशियम या फॉस्फोरस की भी कमी हो जाती है, कैल्शियम का तो अपन बढ़ ही रहे हैं लेकिन कई बार क्या होता है पशु के शरीर में मैग्नीशियम या फॉस्फोरस की भी कमी हो जाती है, तो जो कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम या फॉस्फोरस की कमी होती है तो उसे कहा जाता है मिल्क फीवर सिंड्रोम। मिल्क फीवर सिंड्रोम या फिर कॉम्प्लेक्स मिल्क फीवर कॉम्प्लेक्स बात कर रहे थे रोग में मिल्क फीवर की किसकी वजह से हाइपोकैल्शियमिया की वजह से होता है, लेकिन हाइपोकैल्शियमिया के साथ साथ जब पशु के शरीर में क्या होंगे मैग्नीशियम एवं फॉस्फोरस की मात्रा भी कम हो जाती है तो क्या होगा उसे अपन क्या नाम देंगे मिल्क फीवर सिंड्रोम या कॉम्प्लेक्स कि एक से अधिक मतलब मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की भी क्या होगी पशु के शरीर में कमी होगी तो वह क्या कहलाएगा मिल्क फीवर सिंड्रोम कहलाएगा। ऐसे अगर कारक की बात की थी कौन कौन से कारणों से हो सकता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस का या जो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो रेशियो है वह जब गड़बड़ा जाता है तब भी क्या है मिल्क फीवर रोग क्या है देखने को मिल सकता है, जब उसमें बैलेंस नहीं रहता है तो क्या हो सकता है मिल्क फीवर हो सकता है। ये सब अपन ने बात करी डायग्नोसिस और कौन कौन से जो दूसरे रोग है डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिससे अपन मिल्क फीवर को अलग से पहचान सकते हैं। अब अगर अपन बात करें आप इसके ट्रीटमेंट की उपचार की पशु को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए
अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, डायग्नोसिस के लिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट की, पशु को क्या उपचार क्या करना चाहिए, पशु को अगर आपने पहचान लिया उसको मिल्क फीवर है या हाइपोकैल्शेमिया है या दूध जबर है पहचान लिया उसको, उसके लिए हमें पता है इसकी वजह से हो रहा है कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है उसको पशु को कैल्शियम दिया जाए। तो आईवी इंजेक्शन देते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लुकैनेट जो कि कैलबोरो नाम से आता है, कैलबोरो नाम से 450 ml की वाइल आती है जिसे अपन आईवी देते हैं पशु के अंदर, कैलबोरो नाम से आएगा जिसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लुकैनेट। मतलब 250 से 300 या 350 ml तक तो अपन उसको देते हैं आईवी रूप से, जो बचा हुआ जो पार्ट है 150 से 200 ml वाले देते हैं उसको सब्यूटेनियस रूप से आईवी रूप से दिया जाता है, पशु को तुरंत कैल्शियम की क्या उसकी मात्रा शरीर में बराबर करने के लिए कि उसको जल्दी रिजल्ट मिले, पशु के शरीर में मात्रा क्या हो कैल्शियम की बराबर हो, सब्यूटेनियस रूप से इसलिए दिया जाता है कि आगे आने वाले समय में जब पशु का क्या करते हैं पशु का शाम को दूध निकालेंगे तो दोबारा हो सकता है उसमें मिल्क फीवर के लक्षण देखने को मिले। तो यह जो सबकट रूप से दिया है यह उस टाइम में क्या शरीर के अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहता है, शरीर के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम की जो मात्रा है लेवल है उसे बनाए रखता है, तो इसलिए अपन जो बाकी का हिस्सा जो है क्या है सबकट दे देते हैं। ऐसे ही अपन ने बात की थी कैल्शियम के साथ साथ अगर मिल्क फीवर सिंड्रोम हो या फिर मिल्क फीवर कॉम्प्लेक्स हो, क्या होता था मिल्क फीवर सिंड्रोम या मिल्क फीवर कॉम्प्लेक्स की जब कैल्शियम के साथ साथ क्या हो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की पशु के शरीर में कमी हो तो क्या करेंगे अपन, तब उस उपकरण देंगे माइफेक्स, बांधने में माइफेक्स जिसके अंदर क्या आता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरो ग्लुकैनेट, सेम इसी तरीके से अपन देंगे इतना पार्ट आईवी देंगे जो बचा हुआ पार्ट है वह सबकट देंगे। जब पशु के अंदर मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के साथ साथ कमी हो तो अपन क्या काम में लेंगे माइफेक्स या कैल्शियम बोरोग्लुकैनेट, यही है जिससे क्या है पशु के शरीर में क्या हो कैल्शियम और मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की क्या हो लेवल जो बराबर हो सके। ऐसे ही अगर अपन बात करें अपन ने सिम्टम्स देखे थे कैल्शियम की कमी के, तो कैसे अगर अपन पहचानेंगे पशु में क्या है मैग्नीशियम की भी कमी है साथ साथ में या फिर उसमें क्या है सिर्फ कैल्शियम की कमी है, तो क्या होता है कि पशु के शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है और क्या है नॉर्मल मैग्नीशियम है, यानी कि जो मैग्नीशियम की जो लेवल है वह शरीर में नॉर्मल है और उसके शरीर में किसकी कमी है कैल्शियम की पशु के शरीर में कमी है, तो इस जो यह जो कंडीशन होगी तो इसमें क्या रहता है पशु बैठा रहता है उसको खड़े होने में दिक्कत रहती है, यह सब लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर पशु के शरीर में कैल्शियम की लेवल क्या कम है और फॉस्फोरस की लेवल नॉर्मल है या फिर अत्यधिक है तो क्या होगा जब अपन पशु को कैल्शियम लेंगे तो वह क्या है खड़ा तो हो जाएगा लेकिन खड़े हो कैल्शियम की लेवल तो नॉर्मल हो जाएगी लेकिन पशु क्या है खड़ा नहीं हो पाता है, फॉस्फोरस की लेवल उसके शरीर में क्या है कम है, पशु में क्या देखने को मिलते हैं अपन को कन्वर्जेंस देखने को मिलते कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं कैल्शियम के ट्रीटमेंट कन्वर्जेंस आएंगे पशु के, तो अपन ये पता कर सकते हैं इन सब अलग अलग लक्षणों से सिर्फ कैल्शियम की कमी है या मैग्नीशियम की भी कमी है, कि अगर कैल्शियम की कमी है मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है तो अगर कैल्शियम की कमी है और मैग्नीशियम की अत्यधिकता है तो पशु में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, अगर कैल्शियम की कमी है मैग्नीशियम की लेवल शरीर में ज्यादा है तो अपन को बकवा के लक्षण देखने को मिलेंगे या फिर ऐसा लगेगा कि पशु क्या है ऐसे की हालत में है। और ऐसे ही अगर अपन बात करें कि कैल्शियम क्या है कम है और मैग्नीशियम की लेवल क्या है पशु में नॉर्मल है तो अपन को यह लगेगा कि पशु क्या है बैठे रहेगा, उसको क्या होगी अगर कैल्शियम की कम है मैग्नीशियम नॉर्मल तो पशु बैठा रहेगा, उसको खड़े होने में क्या होगी दिक्कत होगी खड़ा के वह क्या होगा खड़ा होगा। और ऐसे ही अपन बात करें कि कैल्शियम के शरीर में कम है और मैग्नीशियम के शरीर में कम है तो पशु क्या दिखाएगा फिटनेस जैसे लक्षण दिखाएगा कन्वर्जेंस दिखाएगा पशु, यह पशु कब दिखाएगा कैल्शियम भी कम है पशु के शरीर में मैग्नीशियम भी कम है, ऐसे जब कैल्शियम क्या है कम है और क्या है मैग्नीशियम की मात्रा नॉर्मल है
तो पशु कौन से लक्षण प्रकट करेगा, किसने लिए पशु बैठा रहेगा और अगर खड़ा होगा तो क्या होगा, धड़खड़ा के खड़ा होगा। अगर नॉर्मल मैग्नीशियम है, कैल्शियम की मात्रा कम है तो बैठा रहेगा, जब खड़ा होगा तो क्या होगा, पशु धड़खड़ा के खड़ा होगा। और अगर कैल्शियम क्या है, अत्यधिक मैग्नीशियम अत्यधिक है, कैल्शियम कम है तो क्या होगा, लकवे जैसे लक्षण प्रकट करेगा पशु। ये सब हो गया था ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में अपने क्या दिया, कैल्शियम की कमी है, कैल्बरोल अपने पशु को दी जिसके वजह से कैल्शियम है, अगर उसके अंदर पशु में कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की भी कमी है, उसी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लुकोनेट अपन ने दिया साथ में, जिसमें क्या फॉस्फोरस मिल जाता है, जिससे अपन जो मिल्क फ्लू सिंड्रोम है, मिल्क फ्लू कॉम्प्लेक्स है, जिससे अपन उपचार कर सकें उसका। ऐसे ही अगर बात करें आगे ट्रीटमेंट की, उसके अंदर अपन दे सकते हैं सोडियम एसिड फॉस्फेट का इंजेक्शन भी पशु के अंदर दे सकते हैं, जो क्या करेगा, जो ब्लड की जो पीएच है पशु के अंदर उसको नियंत्रित करेगा, उसको नॉर्मल करेगा। इसके साथ साथ अपन विटामिन D3 का इंजेक्शन दे सकते हैं पशु को, क्योंकि विटामिन D3 क्या है, अपन ने बात की थी विटामिन D3 किसके एब्जॉर्प्शन में सहायक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में सहायक है। अपन ने कैल्शियम तो पशु को दे दिया, पशु के शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, उसके लिए अपन क्या देंगे, विटामिन D3 का इंजेक्शन पशु को दे सकते हैं। ऐसे ही अगर पशु के आफड़ा आ रहा है, ब्लॉट आ रहा है, उससे संबंधित जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, जो आफड़ा आपको देखने को मिला, तो आफड़े का ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। ये सब क्या है, आगे अगर और कोई पशु में लक्षण देखने को मिलते हैं, मुख्यतः ये ट्रीटमेंट है, इससे पशु में रिकवरी देखने को मिल जाती है। और अगर और कोई सिम्टम दिखाए तो पशु उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर आफड़ा आ रहा है तो आफड़े का इलाज अपन कर सकते हैं। ये सब हो गया उपचार से संबंधित। अब अगर आगे बात करें कि यह रोग होने से पशु को कैसे बचाया जा सकता है, कि पशुपालक क्या करे, समय रहते क्या करे, पशुओं में क्या है कैल्शियम की लेवल जो शरीर में क्या है बराबर रखे, ताकि उसको क्या है हाइपोकैल्शियम या मिल्क फ्यूल जैसे रोग से ग्रसित ना होना पड़े पशु को। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपन कर सकते हैं वह पशु को बैलेंस राशन है, बैलेंस डाइट है, जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या हो, सही मात्रा में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, जिससे क्या है पैरेट हॉर्मोन की एक्टिविटी भी क्या रहे, बनी रहे। पशु को अपन विटामिन D3 का इंजेक्शन दे सकते हैं, ताकि क्या है जो शरीर में जो कैल्शियम है वह विटामिन D3 की कमी होने की वजह से क्या हो, अगर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा हो, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा हो, तो वह क्या हो, यूटिलाइज हो जाए। ऐसे अगर अपन बात करें तो पशु के ब्याने के बाद में ओरल कैल्शियम जो जेल है उसकी क्या आती है, ओरल कैल्शियम जेल से वायर आती है, जिसके अंदर क्या है आयनाइज कैल्शियम या मैग्नीशियम या फॉस्फोरस अत्यधिक मात्रा में आता है। तो अपन जिस पशु में यह अपन को लगे कि यह मिल्क फ्लू रोग से ग्रसित हो सकता है, इसके चांसेस अधिक है, इसका उत्पादन अधिक है, तो उसे अपन ब्याव के बाद क्या कर सकते हैं, ओरली जो कैल्शियम जेल की जो बॉटल्स आती है वह उसको फील करवा सकते हैं। और सबसे मुख्य यही कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या है रेशियो शरीर में नॉर्मल बना के रखें, तो क्या होगा पशु के जो मिल्क फीवर रोग है उसे ग्रसित होने के कम चांसेस होंगे। धन्यवाद।